मुन्ना शुक्ला आरजेडी का कहिया झंडा उठाया था मुझे बताइए। अरे मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा, नीतीश कुमार की तो गारंटी है कल कि हो सकता है वो आ जाए लालू जी के साथ या इंडिया में। मायावती जी किसको समर्थन करेंगी, इंडिया को करेंगी, वो जाएंगी बीजेपी में, नहीं जाएंगी लालू जी नहीं जाएंगे, लेकिन मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, ये हमको बताइए। लोग कह रहे हैं माफी मांग लिए वो, आपका गर्दन काट के कोई माफी मांग लेगा आप माफ कर दीजिएगा, ये माफी की क्या बात हो गई। जिसके दिमाग में जातिवाद भरा हुआ है वो संसद में जाकर अच्छे आरक्षण पर जब बहस होगी, संविधान पर जब बहस होगी तो ये आदमी किसके पक्ष में होगा, आरक्षण के पक्ष में, संविधान के पक्ष में कि उसके खिलाफ, आप बताइए। अगर कल मोदी जी को 10-5-20 सीटों की कमी पड़ेगी ना तो मुन्ना शुक्ला वहीं दिखेगा। सोशल मीडिया आने के बाद जो बहुजन समाज में जागरूकता आई है, अब लगता है कि इस देश के सत्ता में दलित समाज का कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है। वैशाली में 75 साल से रिप्रेजेंटेशन अटका हुआ है, 90% आबादी SC ST OBC का है, अल्पसंख्यक का है। ST मान लीजिए वैशाली में नहीं, OBC और SC और अल्पसंख्यक तो है, आप बताइए कि 90% लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ 75 साल से, ये सवाल है कि नहीं। सवर्ण समाज के लोग ही जीतते आ रहे हैं चुनाव, इंडिया गठबंधन हो चाहे NDA हो, दोनों सवर्ण समाज के लोग हैं, बताइए वो दोनों आरक्षण के पक्ष में कहां जाएंगे। बीना देवी जी तो मान लिए खुल के NDA के बीजेपी के साथ हैं, RSS के साथ हैं। मुन्ना शुक्ला जी का पहला बयान पता है क्या बोले हैं, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूं, केस दर्ज है, उस आदमी को तो जेल में होना चाहिए, उस पर तो FIR हो, उसकी तो जमानत नहीं होनी चाहिए, और ऐसे लोग को आप संसद भेजेंगे। वैशाली में एक तरफ सवर्ण कैंडिडेट है, दूसरे तरफ भी सवर्ण दिया जाएगा ताकि टक्कर में रहेगा, टक्कर में रहेगा और उसके चक्कर में हम लोग खाली ताली बजाएं। बीना देवी जीते चाहे मुन्ना शुक्ला जीते, दोनों बीजेपी RSS का आदमी है, तब वो टक्कर का क्या करेंगे, हम खाली झाल बजाएंगे। इस वक्त मेरे साथ नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह जी मौजूद है, जो अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुजफ्फरपुर के सलौना में, और ये वैशाली लोकसभा क्षेत्र है। सर से बातचीत करेंगे, सर आज अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए क्या कहना चाहेंगे। मैं बहुत खुश हूँ और खासकर मैं वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, तमाम बहुजन गाँव में, शहर शहर में जिस तरह से बाबा साहब घर घर पहुंचे हैं, ये 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी, बहुजनों की सदी होगी। और यूपी में तो हजारों परमिशन कैंसिल किए गए हैं, डरे हुए हैं लोग, और मैं I am really surprised, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि जो बहुजन समाज, सोशल मीडिया आने के बाद जो बहुजन समाज में जागरूकता आई है, अब लगता है कि इस देश के सत्ता में दलित समाज का कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है। बाबा साहब के वोट का अधिकार और संविधान की वजह से दलित समाज का कोई प्रधानमंत्री बनेगा, जिस तरह की जागरूकता बहुजन समाज में आ गई। सर आप वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात करें, घोषणा भी कर चुके हैं, क्या मकसद है सर यहाँ से चुनाव लड़ने का। वैशाली में 75 साल से रिप्रेजेंटेशन अटका हुआ है, 90% आबादी SC ST OBC का है, अल्पसंख्यक का है। कितने लोग परेशान कर रहे हैं, ST मान लीजिए वैशाली में नहीं, OBC और SC और अल्पसंख्यक तो है, आप बताइए कि 90% लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ 75 साल से, ये सवाल है कि नहीं। सवर्ण समाज के लोग ही जीतते आ रहे हैं चुनाव, और इस बार इंडिया गठबंधन हो चाहे NDA हो, दोनों सवर्ण समाज के लोग हैं, बताइए वो दोनों आरक्षण के पक्ष में कहाँ जाएंगे। बीना देवी जी तो मान लिए खुल के NDA के बीजेपी के साथ हैं, RSS के साथ हैं। मुन्ना शुक्ला जी का पहला बयान पता है क्या बोले हैं, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ, केस दर्ज है, उस आदमी को तो जेल में होना चाहिए, उस पर तो FIR हो, उसकी तो जमानत नहीं होनी चाहिए, और ऐसे लोग को आप संसद भेजेंगे। लोग कह रहे हैं माफी मांग लिए वो, तो आपका गर्दन काट के कोई माफी मांग ले आप माफ कर दीजिएगा, ये माफी की क्या बात हो गई। जिसके दिमाग में जातिवाद भरा हुआ है उस संसद में जाकर अच्छे आरक्षण पर जब बहस होगी, संविधान पर जब बहस होगी, तो ये आदमी किसके पक्ष में होगा, आरक्षण के पक्ष में, संविधान के पक्ष में कि उसके खिलाफ, आप बताइए। अगर कल मोदी जी को 10-5-20 सीटों की कमी पड़ेगी ना तो मुन्ना शुक्ला वहीं दिखेगा, लिखवा लीजिए हमसे। सर लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दो लोगों में लड़ाई है, अगर तीसरा कोई उम्मीदवार आता है और बहुजन समाज के लोग वोट अगर अलग कर देते हैं तो फिर से भाजपा NDA जीत जाएगी, तो संविधान के लिए। अरे मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा, नीतीश कुमार की तो गारंटी है कल हम लोग कि हो सकता है वो आ जाए नीतीश जी के, इनके साथ, लालू जी के साथ या इंडिया में। मायावती जी किसको समर्थन करेंगी, इंडिया को करेंगी, वो जाएंगी बीजेपी में, नहीं जाएंगी लालू जी नहीं जाएंगे,
लेकिन मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, ये हमको बताइए। जो लोग बोल रहे हैं आप जिताइए वो कल बीजेपी में जाएगा, जब कांग्रेस के सारे सबर नेता 60 साल मलाई खा के बीजेपी में जा रहे हैं तो मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा? पहले हमको गारंटी दिलवाइए कि वो नहीं जाएगा बीजेपी के साथ। आप क्या बात कर रहे हैं साहब, 75 साल से वैशाली जहाँ लोकतंत्र की जननी है, सम्राट अशोक की धरती। आपका मुद्दा क्या होगा वैशाली लोकसभा? संविधान, बहुजन समाज का क्या मुद्दा है? पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, स्कूल, जो न मुन्ना शुक्ला का मुद्दा है न बीना देवी का मुद्दा है। जो 50-50 करोड़ रुपया देकर टिकट लेता है वो 200-200 करोड़ कमाएगा ना, कि आपके लिए अस्पताल का काम करेगा? वो पैसा देके आपका वोट खरीद रहा है भाई, वो दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का वोट खरीदना चाहता है, खरीद रहा है। उसका पैसा का हेलीकॉप्टर भी चढ़ेगा, लालू यादव जी की पार्टी पूरे बिहार में भी जीतेगी उसी के पैसा के हेलीकॉप्टर से। अब मुन्ना शुक्ला को यहाँ हराया भी जाएगा। यही मणिपुर कहाँ पंचायत है, ये आदमी संसद जाना चाहिए। सर किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे ये क्लियर हो? पार्टी पार्टी भी बहुजनों वाली पार्टी होगी। 29 तारीख को दूध सब साफ हो जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा। इस बार वैशाली में मुद्दा है बहुजन, पार्टी मुद्दा नहीं है, बहुजन मुद्दा है। और हमारी पार्टियों ने गलती की है, चिराग जी का घर किसने तोड़ा, पार्टी किसने बदली, घर में फूट किसने डलवाया बीना देवी ने, रामविलास जी का 12 जनपद किसने खाली करवाया बीना देवी ने, फिर टिकट लेके आ गई। मुन्ना शुक्ला आरजेडी का कहिया झंडा उठाया था मुझे बताइए? वीर सिंह पटेल ने इस्तीफा दे दिया, संजय पटेल जिलाध्यक्ष है, कोई यादव नहीं मिला झंडा उठाने वाला जिसको टिकट दे दिया जाए। दलित रिजर्व सीट पर लड़ेगा, कोई मुसलमान को दे देते, अरे कोई मुकेश सहनी को दे देते, मुन्ना शुक्ला क्यों? सर ये लोग ये कह रहे हैं कि वैशाली में एक तरफ सवर्ण कैंडिडेट है, दूसरे तरफ भी सवर्ण दिया जाएगा ताकि टक्कर में रहेगा, इस बात का कैसे जवाब? टक्कर में रहेगा और उसके चक्कर में हम लोग खाली ताली बजाएं। बीना देवी जीते चाहे मुन्ना शुक्ला जीते, दोनों बीजेपी आरएसएस का आदमी है, तो हम टक्कर का क्या करेंगे? हम खाली झाल बजाएंगे। सर रिस्पॉन्स कैसा सर आप वैशाली लोकसभा क्षेत्र में लगातार? आप जाके पब्लिक बहुजन से बात कीजिए ना, एससी से, दलित समाज से बात कीजिए, पिछड़े समाज से बात कीजिए, अल्पसंख्यक समाज से बात कीजिए। वैशाली में 75 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और इस बार बहुजन जीत के जाएगा। सर बल यहाँ पे जो चुनाव होता है उसमें ये लगातार हो रही है कोशिश की जितना खर्च करेगा लोग धन उतना ही सफलता। अरे भाई साहब, चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो अडानी का बेटा है। रामविलास जी कहाँ पैदा हुए थे? गरीब घर से थे ना। लालू जी अमीर घर में पैदा हुए थे, गरीब थे ना। नीतीश कुमार अमीर घर में पैदा हुए थे, जगदेव बाबू, जन नायक कर्पूरी ठाकुर। अरे बहुजन का सारा नेता गरीब परिवार में पैदा हुआ है। धन बल और बाहुबल का जवाब है बहुजन। अरे वोट हमारे पास न है, वही क्या बात कर रहे हैं? पैसा से चुनाव होता है, वोट से चुनाव होता है। इसका पैसा धरा का धरा रह जाएगा। यूट्यूब चैनल है और अब वो जमाना गया, कोई बहुजन नहीं डरता है, संविधान है हाथ में। उन सभी से आग्रह है, ये सब टेलीविजन और मनुवादी मीडिया की खेल है, वही कहता है कि ये पैसा से चुनाव होगा। बहुजन समाज अब जागरूक है, घर घर में बाबा साहब फुले परिवार की विचारधारा है। इस बार मनुवादी नहीं जीत पाएंगे।